नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सब्जियों और चावल का सूप। यह एक कंप्लीट मील है और बहुत ही आसानी से बन सकता है और आप इसको 7 माह तक के बच्चों के लिए दे सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं, मैंने यहाँ पे ब्रोकली लिया है, गाजर है, गोभी है, मटर है और थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी लिया है हमने 1-1 चम्मच, और कुछ पके हुए चावल है। तो क्योंकि हम इसे सूप बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप कच्चे चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उनको हमें अच्छी तरह से गला लेना है। तो बस घी हमने गरम कर लिया 1 चम्मच, उसमें थोड़ी सी प्याज हमें डाल के हल्का सा चला लेना है। इसको हमें लाल नहीं करना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भून लेंगे। ये इस सूप में मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए बनाई जा सकती है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए दे रहे हैं, शिशुओं को दे रहे हैं, तो आप नमक अवॉइड कर लीजिए, बाकी की रेसिपी सेम रहेगी। यहाँ टमाटर डाल दिया हमने, बस भून लेंगे हम टमाटर को। और जैसे ही थोड़ा सा भून जाए, कुछ सेकंड ही करना है हमें, ज्यादा नहीं करना, बहुत क्वांटिटी भी बहुत कम है। अब बस सब्जियां डाल देंगे 1-1 करके। आप इसमें चाहे तो आलू डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कोई भी और कद्दू डाल सकते हैं, लौकी, किसी भी तरह की सब्जियां इसमें डाली जा सकती हैं, जो भी आप अपने बच्चे को खिलाना चाहें या उसे पसंद हो। तो बस हमने सारी सब्जियां यहाँ पे थोड़ी सी भून ली हैं घी के साथ में। और जैसे ये भून गया, इसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी इतना होना चाहिए कि सारी सब्जियां पक जाएं और उसके बाद में भी इसमें थोड़ा पानी रहे, ताकि हम इसे ब्लेंड कर सकें। बाकी कंसिस्टेंसी आपकी चॉइस है। थोड़ा सा नमक और पेपर भी डाल दिया है यहाँ पे हमने, काली मिर्च का पाउडर। अगर आप पतला रखना चाहते हैं या ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब हमें इसमें एक उबाल आने देना है, पानी उबलने लगा है। अब इसको बंद करके हम 2-3 सीटी आने तक पकने देंगे। उसके पहले हमने यहाँ पे चावल डाल दिया, मैंने पके हुए चावल का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास वही थे। अगर आप चाहें तो धोकर भिगोकर कच्चे चावल भी इसके साथ में पका सकते हैं। बस मिला के जैसे ही उबाल आने लगा, और इसको सीटी लगा देंगे हम बंद करके 2-3 सीटी तक, जब तक एकदम सब कुछ अच्छे से गल ना जाए और सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसको हम चाहे तो एक लेडल की सहायता से मैश कर सकते हैं, या एक हैंड ब्लेंडर या मिक्सी की सहायता से भी इसकी आप बिल्कुल फाइन सूप भी बना सकते हैं। आप इसका बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत न्यूट्रिशियस भी है। तो आई एम श्योर ये रेसिपी आपको और आपके बच्चे को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको बताइए क्या करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और क्या देखना है। हम ट्राई करते रहेंगे कि और जो जो आपने वीडियो रिक्वेस्ट किए हैं, हम ज़रूर उनको लेकर आए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। सो ये बिल्कुल तैयार है। So, thank you so much for watching. Bye-bye. We'll see you again very, very soon.